देख हमारा चेहरा दिख नहीं रहा है, और गांव देख सकते हैं जैसा कि चारों तरफ उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला, उजाले उजाला है, उजाले ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? सब सब लोग ठीक हैं। और दीपावली के दोस्तों आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि फिलहाल आज का दीपावली, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, और फिलहाल जैसे कि आज हमारा भी दिन बहुत ही अच्छा आने वाला, और आपके साथ बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो इसमें इन्जॉय वीडियो होगा, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप वीडियो को। और फिलहाल जैसे कि इंट्रो में आपको मैंने दिखाई दिया होगा, जो भी दिखाया होगा, तो फिलहाल उसके और जैसा कि सुबह के 6:30 नहीं, 6:20 हो रहा है, 6:30 बज रहा है यानी। तो फिलहाल जैसा कि अभी सुबह सुबह हम रेडी होके नहा के फ्रेश होके पूजा करके उसके बाद जा रहा हूँ नाश्ता करने। जैसे कि मेरा नाश्ता रेडी है, तो देख सकते हैं जैसा कि चाय और पकौड़ी है। आज बहुत दिन बाद चाय पकौड़ी मैंने खाया, और जैसा कि चाय मैं पीता नहीं हूँ तो फिलहाल पी रहा हूँ अभी ब्लैक चाय है, देख सकते हैं जैसे कि। तो इसलिए फिलहाल नाश्ता वास्ता करके फिर आपको मिलते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि नाश्ता करके हम रेडी हो चुके हैं, तो जैसा कि फिलहाल जा रहे हैं, और जो कि उस दिन गए थे बड़े पापा के साथ में चिवड़ा लाने, तो आज भी जा रहे हैं जैसा कि सोहल चिवड़ा लाने। और जैसा कि वो पीछे बैठे रहेंगे तो वीडियो में नहीं बना पाऊँगा, तो वहाँ पे पहुँच के मैं अभी वीडियो बनाऊँगा और दिखाऊँगा, वहीं पर जाऊँगा, जा रहा हूँ जहाँ पर गए थे पहली बार। तो फिर चलते हैं। तो फाइनली जैसा कि देख सकते हैं वहीं पर आए हैं जहाँ पर उस दिन आए थे हाईवे के पास। और आज तो देख सकते हैं आज ट्रक भी खड़ी हुई है, तो आवाज़ भी ज़्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो फाइनली जैसा कि हम वहाँ से वापस आ चुके हैं, और बाकी चावल लेने गए थे, चावल जो लाई के लिए होता है, और जो लाई होता है जैसे मुमरा किसी के यहाँ कहते हैं, या सादा मुमरा ऐसे कुछ कहते हैं, तो उसी के लिए चावल लेके गए थे जो कि कच्चा चावल। तो उसको ला के वहाँ से यहाँ पे फिर नीचे भूनते हैं। तो फिलहाल जैसे कि वहाँ से हम आए अभी 10-15 मिनट हो चुका था, तो उसके बाद मैं छत पे थोड़ा सा काम वाम करके फिर छत पे अपने रूम में जैसे कि आ चुका हूँ फिलहाल। तो फिलहाल उसके बाद मैं 1-2 घंटे बाद फिर भी इससे वीडियो आपको शूट करके दिखाया हूँ, ये मतलब कर रहा हूँ। तो जैसा फिलहाल मैं जा रहा हूँ फैजाबाद, और जैसा कि हमारे दोस्त एक है निर्मल उपाध्याय, उनके पैर में थोड़ा चोट लग गई थी और फिलहाल ठीक हो चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ जैसा कि उनको कहते हैं और फैजाबाद में कुछ सामान लेने हैं दिवाली के लिए। तो फिलहाल अगर हो सकेगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा जरूर, हो सकेगा क्या मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ चीज आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल जैसा कि वहां पे चलते हैं, वहां पे चल के आपको मिलते हैं। सो फाइनली जैसा कि हम जा रहे हैं, और जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे गाँव और सामने मार्केट देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी वहाँ पे चल के आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अकेले बनाते नहीं बन रहा है, क्योंकि हम ही चला रहे बाइक को अकेले और कोई नहीं साथ में, तो अभी आगे चल के मिलते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं फैजाबाद में, फैजाबाद में जैसा कि मेले में पहुंचे हैं, आप दिखाई दे रहा होगा जैसा कि फिलहाल। और चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ का व्यू, और जैसा कि देख सकते हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। फाइनली देख सकते हैं जैसा कि यहाँ का बहुत ही गजब का व्यू है, और हमारे निर्मल भाई यहाँ पे, अब देखते हैं क्या लेना है। निर्मल क्या लेना है? अरे ले रहे हैं भाई, बहुत ही गजब का है। और साइड में गुलाब बाड़ी है जैसा कि आपको दिखाए थे उस दिन, और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा मेला लगता है बीफे के दिन, और बीफे के दिन यहाँ पे कपड़ा भी लगता है मेला, लेकिन आज त्यौहार है इसलिए त्यौहार का सामान यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। और जैसे कि गुलाब बाड़ी की साइड में है, अगर आप फैजाबाद के हैं तो आइएगा जरूर यहाँ पे, बहुत ही गजब का मेला लगता है। और पटाखे तो नहीं लेंगे, बाकी लेना है कुछ लाइट का सामान। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सब लोग, पटाखे सिर्फ मिल रहा है, और लाइट वाली सामान हमको लेना था घर पे जलाने के लिए, तो फिलहाल मिल नहीं रहा है सारे जगह पे। आप देख सकते हैं जैसे कि पटाखा ही है मिल रहा है सारे जगह पे, पटाखा ही मिल रहा है सारे जगह, यहाँ देख सकते हैं सामने और इधर चारों तरफ। तो यार कहाँ पे लोग हैं यार, तो कहीं लाइट वाइट वाला कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि फिलहाल हमने यहाँ से पटाखा वड़ाखा कुछ लिया नहीं, और पटाखे ही मिल रहे हैं, और लाइट का हमको सामान लेना था, झाला लेना था, तो मिला नहीं। तब चलते कहीं और दूसरी जगह पे देखते हैं, और यहाँ पे सारे सिर्फ पटाखे ही मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, तो पसंद नहीं यार, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा। तो चलते हैं आगे भी चलते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि अभी हम घर पे पहुँचे, और जैसा कि सामान कुछ नहीं लिए और दोस्त को लेना था, तो फाइनली जैसे कि बाइक हमारी बाहर भी है देख सकते हैं, तो कुछ सामान नहीं लिए, और सामान इसलिए नहीं लिए क्योंकि दोस्तों पैसा नहीं था ज़्यादा, तो इसलिए पैसा नहीं और सामान नहीं लिए। बाकी पटाखे उड़के वगैरह अभी अपने मार्केट ही में जाएंगे खरीदेंगे वहाँ पे, और बाकी हमारी दुकान पे भी पटाखा बिकता है, तो इसलिए पटाखा वैसे भी अच्छा नहीं लगता हमको दगाने में।
और फाइनली मोमबत्ती जलाएंगे और आज आपको रात को दिखाएंगे बहुत ही गजब का शानदार वीडियो होने वाला है। और आज दिखाऊंगा कि हमारा गांव कैसे लगता है सर देखने में। A few moments later. तो फाइनली जैसे कि रात हो चुकी है और हम आए अपनी दुकान पे, और इसके साथ जैसे कि आपको बाहर दिखा दें तो ये देख सकते हैं बाहर इधर का एरिया और इधर का। और जैसे कि अभी पूरा मतलब सभी लोग नहीं लाइट जलाए, अभी हमारे यहाँ भी पूजा हो रहा है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे पापा पूजा कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम भी जलाने वाले हैं और अभी ज़्यादा कोई नहीं जला, अभी हम आपको छत पे सिखाएंगे। और चलिए पहले आपको दिखा देते हैं पापा पूजा कर रहे हैं जो। तो देख लीजिए जैसे कि पापा पूजा कर रहे हैं और अभी मिलते हैं आपको। तो फाइनली जैसे देख सकते हैं अभी मिस दीपक को ले जा रहे अपने रूम में रखने, और बाकी हमारे सभी लोग हमारे घर से गए हैं। और चलिए मैं इसको अबे नज़दीक नज़दीक रख भाई। तो मैं इसको कहाँ रख दूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फाइनली यहाँ पर रख देते हैं, बाकी मेरा रूम है और चलता हूँ आगे की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे सजावट, तो देख सकते हैं बहुत तेज जल रहा मोमबत्ती गल के हाथ पे। फाइनली इसको हम चलते हैं आगे की तरफ रखते हैं, और इसको यहाँ पे रख दें रे। और ये वाला भी यहाँ पे ढेर सारा इकट्ठा हो गया था, तो मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, यहाँ पे रख दिए। और इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। और एक इधर लगा दो भाई, वहाँ कोने में है बस, बाकी हो गया है यहाँ का, और वो नीचे लगा दो। तो फाइनली जैसे कि हमारा चेहरा दिख नहीं रहा है और गांव देख सकते हैं जैसे कि चारों तरफ उजाला ही उजाला, उजाला ही उजाला, उजाले उजाला है, उजाले ही हो यार जाले जाला। ठीक से बोलो, देख सकते हैं चारों तरफ एकदम पूरा जगमगा रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही गजब लग रहा है, हमें बहुत अच्छी लग रही। तो दोस्तों जैसे कि अभी फाइनली हम 10 मिनट में जाने वाले हैं अयोध्या, और आपको अयोध्या का बहुत ही ज़बरदस्त सीन दिखाने वाले हैं जो कि शायद आप लाइव समाचार में देखते होंगे, और मैं आपको लाइव प्रूफ लाइव के साथ दिखाऊंगा कैसे कैसे वहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो चलिए अभी बनेंगे, और इसी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये सुबह ही से वीडियो बननी थी और वीडियो बहुत लंबी हुई। तो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा देखने को अयोध्या का टूर और रात का सीन। तो चलिए आपको साथ पसंद होगा, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो जरूर बोलिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर हैप्पी दिवाली बोलिएगा, ओ दीपावली। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली, बाय बाय, टाटा, शिव। नहीं आया तो जरूर